नमस्कार, एक्जोटिक वेबीविया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप सबको एक एग्जीबिशन की मुलाकात करवाने जा रही हूं, जो है ऊर्जा 2020 एक्सक्लूसिव आर्ट एग्जीबिशन। इसमें यहाँ पे वनिता आर्ट गैलरी के द्वारा ये आयोजन किया गया है और वनिता विश्राम जो स्कूल है उसके अंदर ये आयोजन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का आयोजन किया गया है। तो मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र और जो राजश्री जी है उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन किन लोगों को फ़ायदा करेगा। जी राजश्री जी, आपका स्वागत है। जी सर। नमस्कार। बेसिकली ये जो पूरा आर्ट एग्जीबिशन है वो पोस्ट कोविड आर्ट एग्जीबिशन सबसे पहला एग्जीबिशन है, क्योंकि लास्ट मार्च से अभी तक सब एग्जीबिशंस जो थे वो हुए नहीं हैं। तो ये जो एग्जीबिशन हुआ है वो हमने ऊर्जा मतलब एक नई एनर्जी के साथ शुरू किया है, क्योंकि लास्ट 6 से 9 महीने में मतलब जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे थे उनका कोई शो हुआ नहीं था। इवन हमारी गाइडलाइन ऐसी थी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो एक नई एनर्जी के साथ हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें सूरत के बहुत सारे कलाकार हैं उनको हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है, और ऊर्जा इसमें इतने सब जो आर्टिस्ट हैं उनके काम हमने वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे राजश्री जी, और मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि ये जो एग्जीबिशन है उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है। इसमें अराउंड 23 to 24 आर्टिस्ट है जो यहाँ पे एग्जिबिट किए हैं। हम लोग एक साथ हम घूमते जाएंगे और आर्टिस्ट के काम देखते जाएंगे और आर्टिस्ट के साथ बात करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं कौशिक गज्जर जो हमारे सीनियर एक आर्टिस्ट हैं उनके पास, तो वहाँ पर जाएंगे। तो हमारे साथ है कौशिक भाई गज्जर, उनके काम के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। नमस्ते। तो आप थोड़ा अपने काम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए हमारे। इसमें ऐसा है, ये जो काम है पूरा, तो जैसे हम लोग मुझे पुराना सिटी शहर की गलियां और पुराने मकान जो है वो ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये जो भी पेंटिंग्स के अंदर जो भी आप देख रहे हो वो पूरा सब स्ट्रीट का पेंटिंग्स है, लेकिन मैंने स्ट्रीट को ऐसा कि जो एज इट इज़ वो बनाने का कोशिश नहीं किया, उसका जस्ट खाली फॉर्म, उसका स्पेस, उसकी लाइन, उसके हिसाब से पूरा कंपोजिशन किया हुआ है पूरा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है उसको ऐसा बनाओ, तो एक आर्टिस्ट का थॉट है कि उसको किस तरीके से वो प्रेजेंट करे, तो उसके हिसाब से पूरा सब काम किया हुआ है। मैं सूरत से हूँ और तापी कलेक्शन सूरत का जो है उसका मैं कीपर और क्यूरेटर के हिसाब से मैं काम करता हूँ, जो भी पूरा म्यूज़ियम का। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम आगे जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे सीनियर आर्टिस्ट है रंजन भाई नारकर, उनके साथ थोड़ी बातें करेंगे। रंजन भाई, आपके काम के बारे में थोड़ा बताइए। आपने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया है और किस तरह का है वो आपने? मैंने मेरे फेसिस वर्क पे मैं ज़्यादातर फेस काम करता हूँ, और ये वर्क है वो शिवा के ऊपर है। तो पोर्ट्रेट वर्क मैं ज़्यादातर मेरे टेक्निकली पैच वर्क और उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। जैसे कि ये सेकंड वर्क है, ये बॉम्बे की लाइफ के ऊपर है, तो जो फेस है वो मैंने ब्राइट कलर्स और नाइट में जो घूमना है और ब्राइट लाइट्स है, तो उसी इफेक्ट पे मैंने ये काम किया। ये स्ट्रगल ऑफ लाइफ है कि स्टेजेस ऑफ डिफरेंट कलर इफेक्ट्स है उसमें, और आदमी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पहले डिप में होता है तो डार्क होता है, फिर धीरे धीरे ब्राइट में लाइट में आता है, उसके ऊपर किया।
सूरत से। ओके, हमारे साथ है राहुल पोपानिया। जनरली जो हमारा काम है ना, ए आप हाँ जनरली जो हमारा काम है, આપણે જે કુટુંબ વ્યવસ્થા જે આવે ને, એ કુટુંબ વ્યવસ્થાના જે ભાગરૂપે પહેલાં કેવું હતું કે હસબન્ડ બહાર જાય અને સ્ત્રી છે એ ઘરે રહે, પણ હવે એવું નથી, હવે બંને બહાર જાય. ઓકે, તો થર્ડ પર્સન જે એન્ટર થાય એટલે કે આયા, તો એવું નથી કે આયા ખરાબ છે કન્સેપ્ટ, પણ એ આયા જેવું હશે તો બાળક થશે. તો જનરલી આપણે જોઈને એવું લાગે કે માતા અને બાળક હશે, પિતા અને બાળક હશે, પણ એવું નથી, થર્ડ પર્સન આયા છે. ઓકે, તો હવે આવું કલ્ચર જોવા મળે છે, તો એને જસ્ટ રિપ્રેઝન્ટ વિઝ્યુઅલ ફોર્મમાં મેં કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ના ના, એ મારું નથી, એ રોહિત સર છે ને એનું છે, આ ત્રણ કામ મારા છે. ઓકે, રાહુલ પોપાનિયા. હું સુરતથી છું, આમ સૌરાષ્ટ્ર છું, પણ આમ વર્ષોથી સુરતમાં છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ, વેલકમ. થેન્ક યુ રાહુલ. આપણી પાસે રોહિત ઝવેરી કરીને સુરતના, એ પણ ખાસ્સા સિનિયર આર્ટિસ્ટ છે, એમનું કામ છે અને એમનું કામ આમ સુરતે જોયેલું છે. એમણે આ સ્ટાયરોફોર્મ ને લઈને આખું એબસ્ટ્રેક્ટ વર્ક છે એમનું. આ પણ એમનું જ કામ છે, રોહિત ઝવેરી. આ જે કામ છે તે અભિષેક મંડલા, જે ઓરિસ્સાના આર્ટિસ્ટ છે આમ, પણ અહીંયા આપણા યુનિવર્સિટીમાં જ ભણાવે છે સ્કલ્પચર ડિપાર્ટમેન્ટમાં, અને પોતે સ્કલ્પચર પણ કરે છે, અને સાથે આ એમનો પહેલો પ્રયત્ન છે પેઇન્ટિંગ મૂકવાનો. એટલે આ છે ને સ્પેસીસને લઈને કામ થયું છે આખું, એટલે અલગ અલગ સ્પેસીસને એમણે પેઇન્ટ કરી છે અને સ્પેસીસને લઈને એ કામ કરે છે. એટલે એમના ઇવન સ્કલ્પચર્સ પણ એ રીતના છે કે સ્પેસને તમે કેવી રીતના જુઓ છો. તો અત્યાર સુધી એમણે 3D એટલે કે 2D 3Dમાં કામ કર્યું હતું, આ પહેલી વાર એમણે પેઇન્ટિંગ કર્યા છે, અને અભિષેક મંડલા નામના ચિત્રકારનું આ કામ છે. આ પણ યંગ ચિત્રકાર છે, જય ગોહિલ કરીને એનું કામ છે. આ એબસ્ટ્રેક્ટ છે અને એક, એટલે એક માણસની આખી વાત છે, અને ચિત્રકાર અહીંયા હાજર નથી અત્યારે. જય ગોહિલ. સામર્થ્ય, થેન્કફુલનેસ અને સર્જનમ, આ એના ટાઇટલ્સ છે એના કામના. ત્યાર પછી આ છે તે બિનિતા લિંબાણી કરીને એક વિદ્યાર્થીની છે, એનું કામ છે. એ આપણને એક્સપ્લેન કરશે એના કામ વિશે. બિનિતા લિંબાણી. ધીસ ઇઝ લાઈક, હું મારા ડેઈલી વર્ક માટે લાઈક મોર્નિંગ ટુ ઇવનિંગ આપણું કંઈ શિડ્યુલ ફિક્સ હોય છે, સો સમટાઈમ અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્સિડન્ટ્સ હેપનિંગ થાય તો આપણું એ શિડ્યુલ જે બ્રેક થાય છે, સો ધોઝ ઇન્સિડન્ટ્સ આર લાઈક જે નેગેટિવ હોય છે વધારે આપણને માઇન્ડમાં અફેક્ટ કરે છે. સો ધેટ ટાઈમ આઈ થોટ કે એ આપણને મેન્ટલી તો એટલા અફેક્ટ કરે જ છે, સો એ મેન્ટલી અફેક્શનના લીધે આપણા બોડીના ફિઝિકલમાં પણ એટલા જ અફેક્ટ કરે છે. સો જે આપણા બોડીના લાઈક સ્ટ્રેચ માર્ક્સ આવવા, બોડીમાં ફેટ આવવું, કોઈનું બોડી પતલું થવું, કોઈના હોર્મોનલ ચેન્જીસના લીધે હેર ચેન્જીસ થવા, સો બેઝિકલી એ જે અફેક્ટ છે એ હું મારા પેઇન્ટિંગ થ્રુ બતાવું છું. સો મેં એક્ઝેક્ટલી લાઈક બોડીના જે ફિઝિકલ ચેન્જીસ માટે કીધું, લાઈક જે મેન્ટલી આપણને અફેક્ટ કરે છે એ હિસાબથી આપણા ફિઝિકલ બોડીમાં પણ અફેક્શન આવે છે એ વસ્તુનું. સો એ જે અફેક્ટ, સો ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ થિંગ, લાઈક
1 or 1.5 years ago I affected by some virus like એનું લાઈક કોઈ ક્યોર નથી વર્લ્ડમાં. સો એ વાયરસ અગર તમારું બોડી જાતે છોડી દે તો ઓકે છે, બાકી ઇટ્સ લાઈક સો એ ટાઈમ પર મેં લાઈક એ જે વાયરસ છે એનાથી તમારા સ્કિન પર એક્સ્ટ્રા સ્કિન લોમ્સ આવે છે જેનું ફોર્મેશન લાઈક આવું કંઈ હોય છે. સો એને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે મેં આવક બનાવેલું હતું લાઈક રેઝિંગ મટીરિયલ યુઝ કરીને. Then, એ ટાઈમ પર લાઈક આઈ એમ કન્ટિન્યુઅસલી થિંકિંગ અબાઉટ લાઈક ઓકે આનું કોઈ ક્યોર નથી અને એ બધા થોટ્સ મારામાં બહુ જ ઓવર હેલ્મેટ થઈ ગયેલા મારા પર. સો દેટ ટાઈમ મેં આ વર્ક કરેલું. સો ધીસ ઇઝ લાઈક 3 clocks અલગ અલગ ફેઝિસના ટાઈમની છે. સો ધીસ ઇઝ લાઈક નંબરિંગ સેમ છે બટ રિવર્સ ચાલી રહી છે. સો રિવર્સ ઇટ્સ લાઈક ગોઈંગ ઇન અ પાસ્ટ, લાઈક પાસ્ટમાં જે પણ ઇન્સિડન્ટ્સ થયા છે એન્ડ ધીસ ઇઝ લાઈક રાઇટ ડિરેક્શનમાં જાય છે એટલે રાઇટ ટાઈમ છે જે હમણાં પ્રેઝન્ટમાં ચાલી રહ્યું છે. જે નંબર ફ્લિપ થઈ રહ્યા છે લાઈક 12 અને 9 તો જે નોર્મલ જે શિડ્યુલ ચાલી રહ્યું છે એમાં કંઈક એવું હેપનિંગ થયું છે જે આપણા માટે બરાબર નથી પણ જે રાઇટ ટાઈમ એટલે પ્રેઝન્ટમાં થયું છે એ વસ્તુ. સો લાઈક ફર્સ્ટ રિવર્સ છે જે પાસ્ટ ધેન પ્રેઝન્ટ અને જે રિવર્સ અને પાસ્ટ છે એના ઉપરથી મેં 3rd one બનાવી છે જે રિવર્સ ચાલે છે પણ એમાં નંબર પણ ફ્લિપ છે. સો આ જે જર્નીથી આપણે જે આર્ટવર્કને જોઈએ છે તો આ ક્લોક પણ આપણને એવું જ લાગશે કે રિવર્સ અને ઉલટી છે એમાં પણ કંઈ ગડબડ છે પણ એક્ઝેક્ટલી એવું કંઈ નથી કેમ કે આ રિવર્સ પણ ચાલે છે અને નંબર પણ ફ્લિપ છે એટલે આખી વોચ જ રિવર્સ છે એટલે એ એક્ઝેક્ટ જે પ્રેઝન્ટ ટાઈમ છે એ બતાવે છે હમણાંનું. તો આ બિનીતા લિંબાની અને એને જે અહીંયા આ એક્ઝિબિશનની અંદર જે પણ ડિસ્પ્લે કર્યું હતું તે આપણે બતાવ્યું અને આપણને ખૂબ સરસ માહિતી આપી કે કેવી રીતે એમણે પ્રેઝન્ટ લાઈફ અહીંયાની લાઈફમાં લોકો જે રીતે જીવી રહ્યા છે એ ડિસ્પ્લે કર્યું છે. થેન્ક યુ વિનીતાજી. તો આગળ જઈએ રાજેશ્વરજી અને આ જબ્બીર કુરેશી નામના એક આર્ટિસ્ટનું કામ છે. એ પણ આપણા સુરતના જ આર્ટિસ્ટ છે જબ્બીર કુરેશી. એમણે સ્પેસીસને લઈને જ કામ કર્યું છે. અહીંયા તમને દેખાય છે લાઇટ ઓફ હોપ લુકિંગ અંડરનીથ. ત્યાર પછી જે કામ છે તે નીપાબેનનું કામ છે, નીપા શાહ. એમણે પણ એબસ્ટ્રેક્ટ થોડું કામ છે, નેચર સૃષ્ટિને લઈને એમનું કામ છે. આપણી સાથે છે મોનાબેન દલાલ. મોનાબેનના પણ ચિત્રો અહીંયા લાગ્યા છે તો તમે તમારા કામ વિશે થોડું 2 વાક્યો અમને કહેશો. મારો સબ્જેક્ટ તમે જે ડિસ્પ્લે શું કર્યું છે એ તમે જણાવો અને કેટલા સમયથી તમે દસ વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું. અત્યારે મેં જે આર્ટવર્ક ડિસ્પ્લે કર્યું છે એનું નામ લાઈફ એટ ટી જોઈન્ટ છે. આપણે આ સબ્જેક્ટ ઘરની બહાર નીકળીએ તો ઓફ એન ઓન થોડા અંતરે આપણે ટી જોઈન્ટ્સ હોય છે ચાની કેટલી તો એની ઉપર જે લાઈફ હોય છે એ મેં પ્રેઝન્ટ કર્યું છે. આમાં ઘણા માણસો કોઈ બેઠું હોય છે, ઉઠ્યું હોય હોય, કોઈ આરામ કરતું હોય છે, ચા પીને ગપ્પા મારતું હોય છે, તો એ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન મેં આમાં કર્યું છે. આ એક એવો સબ્જેક્ટ છે જે કોઈ દિવસ આપણે કોઈને ગમતો નથી પણ હું આર્ટિસ્ટ છું તો એને આર્ટિસ્ટિક રીતે મેં દર્શાવ્યો છે. થેન્ક યુ મોનાબેન. હવે આપણી સાથે છે કૃણાલ કંસારા. કૃણાલ કંસારા એમના કામ વિશે થોડું આપણને એક્સપ્લેન કરશે. આ મારા ડ્રોઈંગ્સ છે એટલે થ્રુ મારા ડ્રોઈંગ્સ મેં થોડા મારા સબ્જેક્ટ્સ છે થોડું ઇનડાયરેક્ટ
બતાવવાની ટ્રાય કરી છે. એટલે ઘણા ઓબ્જેક્ટ્સ છે કે થ્રુ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ છે, કે જેમ કે એમાં જે બર્ડ છે તો બર્ડ કેજ કરતાં થોડું વધારે મોટું બનાવેલું છે, તો એ થોડું મેટાફર મેં યુઝ કર્યો છે. કે ઘણી વખત આપણે ઓવર એમ્બિશિયસ પણ હોઈએ છીએ, યા ફિર કોન્શિયસ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વચ્ચે આપણે ઘણી વખત થોડું આપણું વચ્ચે મનોમંથન ચાલતું હોય છે કે શું સાચું શું ખોટું, તો એના ઉપર મારા થોડા ડ્રોઈંગ્સ છે. હું સુરતથી જ છું અને હું અત્યારે મારી ખુદની ફ્રીલાન્સ પ્રેક્ટિસ પણ ચાલે છે અને સાથે હું યુનિવર્સિટીમાં ફાઇન આર્ટ્સમાં ટીચિંગ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છું. આ સાથે આપણે હવે ઓવરઓલ થોડા કામ જોઈએ, જેમાં આ જે કામ છે તે યે જો કામ હૈ વો પ્રાચી અડવાની, શી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ આર્ટિસ્ટ હિયર. ઓવરઓલ અભી હમ કામ દેખતે જાતે હૈ એક કે બાદ એક. फेब्रुआरी तक चलने वाला है ये पूरा एग्जीबिशन, और मतलब ये पूरे दिनों में हमने इसीलिए खुल के रखा है बिकॉज बहुत सारे सूरत के लोग उसमें आ सके देख सके, बिकॉज ये मतलब कोविड के बाद ये सबसे पहली ऐसी बड़ी इवेंट हो रही है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट ने उसमें पार्ट लिया है. सो देखिए ये अलग अलग मटेरियल में काम हुआ है, जैसे ये थ्रेड में पूरा किया हुआ है, थ्रेड में काम है, थ्रेड को मतलब ऐसे बुना है कि जिसमें ओवरऑल एक इमेज क्रिएट हो. सो ये क्रूशा और चार्मी लाठिया करके दो है जो डिज़ाइनर कम आर्टिस्ट है जिन्होंने ये काम किया है. ये सब एब्स्ट्रैक्ट वर्क है. वो मोस्टली सब सूरत के ही हैं क्योंकि अभी बाहर से आर्टिस्ट लाना थोड़ा मुश्किल भी है ये सिचुएशन में, तो मोस्टली सूरत के ही लोग इसमें उनको ही एक प्लेटफॉर्म मिले, बिकॉज 6 महीने से बहुत सारे आर्टिस्ट को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. सो वी थॉट कि उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें वो लोग अपना काम प्रदर्शित कर पाए. ये एक्चुअली रोटी कपड़ा और मकान, मतलब जो वो दिख ही रहा है रोटी कपड़ा और मकान, बट द वे शी हैज़ डेल्ट विद द मतलब पेंटिंग का जो एक डीलिंग है वो बहुत अच्छे से किया है उन्होंने. रियलिस्टिकली ही शी पेंटेड द होल अमी गोदीवाला, दे शी इज़ एन आर्टिस्ट. ये हमारा ये बेसिकली हमारी जो डच सिमेट्री है वो डच सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया है, सूरत की डच सिमेट्री को. और बेसिकली ये जो भी है वो हमारे आजू बाजू की मंडेन जो लाइफ है वो मंडेन लाइफ को शी हैज़ ट्राइड टू डिपिक्ट यहाँ पे. हाँ, मैंने जैसे बताया कि मंडेन लाइफ हमारे आजू बाजू हम जो भी देखते हैं उसी को उन्होंने पेंट किया. उसके बाद हमारे एग्जैक्ट पीछे है काजल मोरे, उनका भी काम यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है. ये मेरा एक एक्सप्रेशन पेंटिंग का लाइफ है, ये लाइव एक्सप्रेशन है. ये टेक्सचर ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड टेक्सचर पैटर्न फॉर्म, ये सब मेरा प्रोसेस है. वो है टेक्सचर ने एकदम स्ट्रॉन्ग काम किया है, ये लाइव एक्सप्रेशन है. मैं सूरत में ही हूँ. मैं ड्राइंग क्लासेस एंड फिनिश पेंटिंग इन होम.
इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स किया है उन्होंने और बहुत अच्छे से वो अभी यहाँ पे काम कर रही है काजल यहाँ पे, और बाकी सब काम देखते हैं। हर्षिता सोमानी, उनका काम है ये। ये भी है हर्षिता नंदवानी। हाँ, सो ये सब काम हमने देखे जो हमारे आजू बाजू के मतलब बेसिकली ये सब आर्टिस्ट सूरत के ही हैं और सूरत में ही काम कर रहे हैं। ये जो काम है वो आशी प्रजापति का काम है, उन्होंने भी अपनी एक सीरीज़ है बिंदु, उसके ऊपर शायद काम किया है उन्होंने, अलग अलग टेक्सचर को यूज़ करके। हाँ, ये दिव्येश बागड़ा वाला करके एक आर्टिस्ट है जिनका काम है। हाँ, और यहाँ पे लास्ट में मेरा काम है जिसमें मैंने अलग अलग मीडियम में काम किया है। यहाँ पे पहला जो है वो मेरा ड्राइंग है, ये मेरा ड्राइंग है। उसके बाद ये जो है मेरा वुडकट प्रिंट है। ये वुडकट प्रिंट को एक अलग तरीके से किया जाता है बेसिकली, जिसमें वुड को काव किया जाता है और वुड को काव करके उसके अंदर ऊपर कलर करके उसका प्रिंट लिया जा सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड वुडकट प्रिंट। सो इट्स अ प्रिंट मेकिंग का एक माध्यम है। ये है एचिंग, वो एचिंग जिंक प्लेट पे होता है, जिंक प्लेट के ऊपर ड्राइंग करके उसका एक प्रिंट लिया जाता है, तो वैसे करके ये पूरा है। तो बेसिकली प्रिंट मेकिंग का काम हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के। सो दिस इज़ माय वर्क। ये 8 फरवरी तक ये एग्ज़िबिशन चलेगा। सो हम सूरत की सब जनता को विनती करेंगे कि ये टाइम में आप शाम को 4 से 8 में कभी भी आ सकते हैं ये एग्ज़िबिशन देखने के लिए। हाँ, ये वनिता विश्राम जो है उनकी खुद की एक आर्ट गैलरी है, तो वनिता विश्राम आर्ट गैलरी में आप आ सकते हैं। उन टाइम है 4 से 8 बजे तक, 8 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले आप कभी भी आइए और ये एग्ज़िबिशन का आप मज़ा ले सकते हैं। एग्ज़िबिशन देखने के लिए आप आइए, और इसलिए आइए कि जो भी हमारे सूरत के आर्टिस्ट हैं उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए भी हम ज़रूर इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ सकते हैं। तो एक काम हमारा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है जो जयदीप कोटरिया का काम है, वो भी हम देखते हैं। वो सिरामिक में काम करते हैं। सो ये है जयदीप कोटरिया, आपके काम के बारे में थोड़ा बताओ। मैं बेसिकली एनिमल को लेके काम करता हूँ, एनिमल एक्सप्रेशन को लेके। तो मेरे काम में ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती है जो कि ग्लेजिंग वगैरह, वो क्ले से बनती है, तो उसमें ज़्यादातर मैं वो एनिमल एक्सप्रेशन को लेके काम करता हूँ। तो उसमें वो जो इमोशन है एनिमल का, जो लाफिंग समथिंग वो होता है। कैसे बनाया है? हाँ, ये जो है ये पूरा क्ले में बना है, सिरामिक, जो अलग क्ले आता है सिरामिक का, तो उसके ऊपर ये जो ग्लेज का एक कोटिंग लगता है, तो पूरा ये 1200 डिग्री तक ये हीट होता है, देन ये मेल्टिंग होता है, तो पूरा टेक्निकल एक प्रोसेस है। तो जिस प्रोसेस से बनता है, कितना टाइम लगा आपको बनाने में? ये बनाने में 1 मंथ जैसा टाइम लगता है, तो पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 1 मंथ जितना टाइम लगता है। आगे हम चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा देखने में, तो जैसे डरावना लगता है बट काफ़ी अच्छा आपने बनाया है। हाँ, तो ये भी क्या है वो भी बताइए। ये जैसे मैंने फॉक्स का एक फेस बनाया है, तो उसमें क्या किया है मैंने, जो फॉक्स के जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन को लेके वो काम किया था मैंने। तो ये जो से टेक्निक है उसको इनगोप टेक्निक बोलते हैं। तो ये टेक्निक में बेसिकली क्ले के साथ कलर्स को मिक्स किया जाता है, देन उसको क्ले के ऊपर अप्लाई करके एक कोटिंग लगाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा जल्दी जी आपने बनाया है।
थैंक यू। साथ ये भी कुछ अजीब सा मुझे नजर आ रहा है और कुछ हाँ। अजीब सा दिख रहा है, तो एग्जैक्टली ये है क्या और किस तरह से बनाया है आपने? ये एग्जैक्टली एक रैबिट का फेस है जो थोड़ा डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उसको लेके मैंने काम किया है। जो रैबिट का फेस है उसको लेके, उसके जो ईयर्स है उसको मैंने थोड़ा एलोंगेटेड किया है तो कि वो उसका एक्सप्रेशन वो सही से एक्सप्रेस कर पाए। तो ये भी सिरामिक मीडियम में है जो कि पूरा क्ले से बना है। बहुत ही अच्छा वर्क किया है आपने, थैंक यू। आप कहाँ से हो? और मैं बेसिकली सूरत से ही हूँ, देन अभी सूरत स्कूल ऑफ आर्ट में मैं एज अ लेक्चरर हूँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट में, देन मैंने सिरामिक में शांतिनिकेतन से मास्टर्स किया है, सिरामिक और ग्लास जो मेरा ये कंटेन है। बहुत ही अच्छा। तो मतलब कितने साल से आप सूरत में? मैं सूरत में ही बॉर्न हूँ, देन अभी मैं 7 ईयर्स से मैं सिरामिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ सिरामिक आर्टिस्ट। राजश्री जी को हम मिलते हैं और यहाँ पे जो एग्जीबिशन देखने के लिए जो आए हैं उनका भी हम फीडबैक लेते हैं। हाँ हाँ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स जो आए हैं उनका हम फीडबैक लेते हैं, चलिए आपको एग्जीबिशन कैसा लगा वो हम देखते हैं। हेलो हेलो, इंटरव्यू आपको कि एग्जीबिशन क्यों लगे? मेरा नाम यादव प्रदीप है, पास है करो। आप ये एग्जीबिशन देखने आए थे तो आपको कैसा लगा? एग्जीबिशन तो अच्छा है और नई नई चीज़ें थोड़ी ऐसे आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने काम को बनाया है, क्या उनके आइडियाज है, वो सब कुछ और अच्छा लगा। हाँ, मैं आर्ट फील्ड से हूँ, मैं सेकेंड ईयर स्कल्पचर्स में से हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से एग्जीबिशन देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए, और जिनको आर्ट और क्राफ्ट की जो जिस फील्ड में वो लोग हैं वो तो ज़रूर एग्जीबिशन देखने के लिए आए। हम भी आपको इनवाइट करते हैं हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा, और पूरा एग्जीबिशन आप हमारे चैनल के द्वारा भी देख सकते हैं और YouTube चैनल पे भी बाद में देख सकते हैं। तो राजश्री जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, अभी जो ये 6 महीने हमारे गए हैं बींग एन आर्टिस्ट के लिए वो बहुत अच्छे दिन थे, क्योंकि उनको अपना एक टाइम मिला काम करने का, अपनी एक स्पेस मिली काम करने की। सो एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए वो बहुत अच्छा टाइम था, और वो जो अच्छा टाइम है वो यहाँ पे सब आर्टिस्ट ने प्रेजेंट किया है। सो आई विल ऑल्सो से टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस कि यहाँ पे आइए, आप आर्टिस्ट को मिलिए, काम देखिए। सूरत में भी अभी धीरे धीरे ये जो आर्ट एग्जीबिशन बढ़ रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू राजश्री जी, और मिलते हैं ऐसे ही हम दूसरे हमारे चैनल के माध्यम से द्वारा कार्यक्रम में। तो नमस्कार और